रायपुर में 2.5 साल पहले हुई ठगी के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित युवती ने धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की थी, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता DGP और SSP के पास शिकायत लेकर पहुंची। DGP के निर्देश के बाद DD नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और इस पूरे मामले में पुरानी बस्ती CSP मनोज ध्रुव ने बताया है कि 2 साल पहले ठगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के बाद महिला को लकी ड्रॉ का झांसा दिया था और लगातार उसे संपर्क करते हुए अलग अलग समय में अलग अलग पैसा लगते हुए लगभग 1,65,000 रुपये उनसे ठगी की गई। बाद में उसके द्वारा उसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया, जिस पर से उसे प्रतीत हुआ कि ये कहीं ना कहीं ठगी का बात है, जिस पर से हमें शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर से हमने 420 को प्रथम सूचना पत्र तैयार किया।